नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्मेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, होम साइंस डिपार्टमेंट, वाराणसी। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है फोक मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया। वे पुराने तरीके या औजार जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों को लोगों तक पहुँचाते हैं, उसे हम फोक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। इसमें हम नाच के, गा के, विभिन्न नुक्कड़ नाटक, स्किट, कठपुतली आदि के माध्यम से हम अपने विचारों, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। यही हमारा फोक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया है। ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत हम रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं, समसामयिक घटनाओं तथा आपसी संबंधों आदि को हम विभिन्न ट्रेडिशनल माध्यमों के जरिए प्रस्तुत करते हैं और लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। तो ट्रेडिशनल और फोक मीडिया के अंतर्गत हम बहुत सारे माध्यम हैं जिनको हम क्रमशः आपके सामने बताएंगे। सबसे पहले रामलीला। रामलीला पूरा के अंतर्गत हम विभिन्न पात्रों के माध्यम से रामलीला की जाती है। उससे हम समाज में यह संदेश देते हैं कि किस तरह से भाई भाई के संबंध, भाई भाभी का, माँ बेटे के संबंध को हम रामलीला के माध्यम से उजागर करते हैं और लोगों के बीच यह संदेश देते हैं कि आज मॉडर्न टाइम में भी किस तरह से हमें अपने रिश्तों के बीच बारीकी को ध्यान रखना चाहिए और आपसी प्रेम भाव, आदर भाव के साथ अपने संबंधों को अच्छे से बनाए रखना चाहिए। उसके बाद कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में हम कृष्ण की 56 लीलाओं के माध्यम से मित्रता, जिसमें सुदामा और कृष्ण के प्रेम, कृष्ण का गोपियों के प्रति पाक प्रेम तथा कृष्ण के विभिन्न प्रकार के जो लीलाएं हैं उनके माध्यम से हम समाज को संदेश देते हैं। उसी प्रकार से लोक नृत्य, लोक गाथाएं, जिसके माध्यम से अलग अलग स्टेट्स के हम कहानियां, गाथाएं प्रस्तुत करते हैं और हम अपने कल्चर को समाज को बताते हैं कि किस तरह से ये गाथाएं और ये नृत्य आज भी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही मूल्यवान है और ये हमारे समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। उसके साथ गरबा। गरबा गुजरात प्रांत का एक लोक नृत्य है। इसमें लोग ग्रुप में समूह नृत्य करते हैं। उसके माध्यम से हम अपने कल्चर की कलाओं को समाज में प्रस्तुत करते हैं। उसके अलावा कठपुतली। कठपुतली के माध्यम से हम समाज में एक संदेश देते हैं कि किस तरह से विभिन्न समाज की समस्याओं को लेकर पपेट शो के माध्यम से हम लोगों को जानकारियां देते हैं। कठपुतली भी 5 प्रकार की होती है जिसके अलग अलग तरीके से हम उसे बनाते हैं, जिसमें छाया पपेट, धागे वाली पपेट और मिट्टी की पपेट या अलग अलग तरीकों को हम फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया में अपनाते हैं। तो फोक मीडिया वर्तमान समय में हम जो न्यू मीडिया आ गया है उससे और फोक मीडिया दोनों के जरिए हम कंपेरेटिवली तुलना करते हैं, क्योंकि न्यू मीडिया में हमें बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, लेकिन फोक मीडिया आज के समय में भी यह सस्ता माध्यम है और यह बहुत लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क पे एक अच्छी छाप छोड़ता है। तो आज के समय में भी फोक मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज भी हम ट्रेडिशनल मीडिया को अपनाते हैं और इन माध्यमों के जरिए समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को, रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं को विभिन्न लोक नृत्यों के माध्यम से, रामलीला, कृष्ण लीला,
कव्वाली या नुक्कड़ नाटक आदि के कठपुतली शो आदि के जरिए हम प्रस्तुत करते हैं और अपने समाज की छवि को प्रस्तुत करते हैं। और उन नाटकों के माध्यम से जब हम इन चीज़ों को लोगों के सामने लाते हैं तो हम एक तरह से सारी चीज़ें बता भी देते हैं और उन संदेशों के माध्यम से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। एक तरह से समाज में हम कटाक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपना संदेश भी दे देते हैं, जिससे लोगों के मन मस्तिष्क पे वो बहुत लंबे समय तक रहता है, उसकी मेमोरी याद हमारे मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ता है। तो फोक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जो है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मॉडर्न टाइम में हम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मीडिया को अपना रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आज के समय में भी जो हमारा फोक मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया जो लुप्त होते जा रहा है, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम उसको जीवंत करें और फिर से उसको शुरू करें। तो फोक मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक और यूटिलिटी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। तो क्रम से हम आपके सामने डिस्कस करते जाएंगे इम्पोर्टेंट ऑफ फोक मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमें जो हम सामने सामने नाटक देखते हैं या कठपुतली शो देखते हैं, जिस भी समस्या को लेके ये नाटक बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नाटक नुक्कड़ नाटक बनाया गया, उसमें धूम्रपान की समस्या को लेके बनाया गया, तो वो ये दर्शाता है कि किस तरह से धूम्रपान हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को बर्बाद कर रहा है। तो वो दिमाग में हमारे एक अमिट छाप छोड़ता है, जिसके कारण से हम, हमारी सोसाइटी ये कोशिश करती है कि किस तरह से इस लत से दूर हो। तो पहला पॉइंट से डायरेक्ट इंपैक्ट छोड़ता है, दूसरा पर्सनल एंड डायरेक्ट अपील हम फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए हम लोगों के सामने रूबरू होते हैं, तो एक तरह से व्यक्तिगत रूप से उनसे अपील करते हैं, उनको बताते हैं, उनको एक जरिया दिखाते हैं कि किस तरह से समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, रामलीला के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम, सारे पुराने तरीकों से हम ये समाज की छवि को उजागर करते हैं। तीसरे पॉइंट्स में आते हैं तो नो फॉरेन डोमिनेशन, मतलब विदेशी कलाओं का कोई दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि रामलीला कृष्ण लीला या लोकगीत लोक संगीत जो घूमर नृत्य, इन ये सभी हमारे भारत की कलाएं हैं, इसमें विदेशी कलाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इस प्रकार से फोक मीडिया हमारे स्वयं हमारे इंडिया का कल्चर है। फिर कल्चर क्रॉस कल्चर मोटिवेशन, मतलब जब हम दो कल्चर, कोई भी नाटक या पपेट शो या रामलीला कृष्ण लीला या कव्वाली, जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं तो हमारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलते हैं, जिसमें हर एक की अलग अलग कल्चर होती है, हम एक दूसरे की कल्चर से मोटिवेट होते हैं और एक दूसरे की कल्चर को अपनाते हैं। तो फोक मीडिया का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो चीप मेथड है, इसमें पैसा कम लगता है। न्यू मीडिया में हमें कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, फिल्म बनाते हैं या विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए हमें बड़े बड़े डिजिटल कैमरा या अलग सारे हमें जो भी अरेंजमेंट करना होता है उसमें हमें पैसा ज़्यादा लगता है, जबकि फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया में आज के समय में भी इसमें कम से कम पैसे का उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं तो बेस्ट एंटरटेनमेंट मेथड या मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि इसके जरिए हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है और हम समाज की कोई भी समस्या को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो हमारे लिए ये आपस में
प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ाता है। जब हम दो डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो आपस में सौहार्द बढ़ता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम होता है। और उसके साथ ही साथ ये फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया हम अपने कल्चर को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे की कल्चर को जानते हैं, समझते हैं और उसे प्रसारित करते हैं। इस प्रकार से फोक मीडिया हमारी सोसाइटी के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के समय में भी उसका वही योगदान है जो पुराने समय में होता रहा, कि ये हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारे दिमाग पे एक अमिट छाप छोड़ता है। इसके अलावा फोक मीडिया हमारे लिए टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोग आमने सामने दो लोग मिलते हैं, जो नाटक कर रहा है या जो रामलीला कर रहा है और उसके बाद जो पब्लिक उसे देख रही है, तो कोई भी बात उनमें कम्युनिकेशन हो सकता है और आपस में लोग एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो रहती है, कि मान लीजिए हम कोई नाटक कर रहे हैं, कोई डायलॉग भूल गए तो उस डायलॉग को हम सिचुएशन अकॉर्डिंग चेंज करके दूसरी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से फोक मीडिया आज के समय में भी बहुत अधिक यूटिलिटी है हम लोगों के लिए। उसके बाद लेकिन हम यह समाज में कोशिश करते हैं कि हम फिर से फोक मीडिया को जीवंत करें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमियां हैं जिसके डिमेरिट्स हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज से फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया कम होता जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि फिर से उसे लाया जाए, तो क्योंकि पहली बार लोगों का अपनी जो होम सिटी है उससे दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जैसे रामलीला रासलीला जो कलाकार है वो सब एक साथ नहीं हो पाते, तो ये पुराने मेथड धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दूसरा, लोगों को बहुत ज़्यादा जुटाना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना कठिन होता है, तो लोग नहीं कर पाते हैं, ये फोक मीडिया कम होता जा रहा है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी के आ जाने से इसका भी प्रभाव कम होता जा रहा है। इस प्रकार से हमने आपको फोक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, और कुछ भी आपकी क्वेरीज या डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।